आंटी, आप जितना स्कूल के लिए फ्लर्ट करी है ना, आज तक किसी ने भी नहीं किया है। अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा क्या किया? ये तो मेरी ड्यूटी थी। मेरी जगह कोई और भी होता तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता। आंटी, जो आपने स्कूल के लिए किया ना, कोई भी नहीं करता। और आप ग्राउंडेड है ना इतनी, इसलिए आप ये बात कह भी रही हैं। आंटी, मैं तो आपकी उसी दिन फैन हो गई थी जब मैंने आपकी प्लानिंग देखी थी स्कूल फंड को लेकर। अच्छा, आपको तो खुद ही नहीं पता आपने क्या क्या किया है। आपने नोटिस किया, आपने स्कूल फंड के पैसे कभी भी इधर उधर खर्च नहीं किए। नेवर। यही तो मैं कह रही हूँ, आपने उसको कितने अच्छे से यूटिलाइज किया है। टीचर्स को नए लैपटॉप दिए, ऑनलाइन क्लासेस शुरू की। आंटी, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि आपके इस एफर्ट्स की बात ना, ये स्कूल आगरा का नहीं, यूपी का बेस्ट स्कूल बनेगा। यू आर राइट तारा, ये यूपी का ही नहीं, इंडिया का टॉप मोस्ट स्कूल बनेगा। मैं इसकी ब्रांडिंग इतनी हाई कर दूंगी कि हर स्कूल इस स्कूल के साथ अटैच होना चाहेगा। लाइक यू नो, ब्रांडिंग मीन्स पॉपुलैरिटी, पॉपुलैरिटी मीन्स मनी, एंड मनी इज व्हाट मैटर्स। एग्जैक्टली आंटी, पर मुझे तो लगता है कि मनी सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए ही ज्यादा मैटर करता है। हाँ, कुछ लोगों को तो ऐसा ही लगता है कि स्कूल फंड के पैसे उनके घर के पैसे, जहां मन चाह वहां यूज कर सकते हैं। अरे, लोग तो अपनी शादी तक के लिए स्कूल फंड से पैसे ले लेते हैं। व्हाट नॉनसेंस, शादी के लिए स्कूल पैसे क्यों देगा? एग्जैक्टली आंटी, स्कूल क्यों पैसा देगा और देना भी नहीं चाहिए, पर ऐसी घटना हुई है। हाँ, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे कंपैक्ट स्कूल है ना, उसके प्रिंसिपल के साथ ऐसी घटना हुई है। वहाँ की टीचर ने अपनी शादी के लिए स्कूल फंड से पैसे सैंक्शन करवा लिए। और मिनी आंटी, चलो ठीक है, करवा भी लिए, लेकिन पैसे लौटाए भी नहीं। कैन यू बिलीव दिस? अफू, प्रिंसिपल भोली थी इसलिए उनका काम बन गया। इसे भोला नहीं, बेवकूफ कहते हैं। ऐसी लेडी को प्रिंसिपल होने का कोई अधिकार नहीं। यार राइट, अब भादु भाग में पता ही नहीं चला आंटी, मेरी क्लासेस का टाइम हो गया तो मैं जाती हूँ। बट यू इंस्पायर मी अ लॉट। थैंक यू तारा, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। अब देखते हैं आलिया शादी के लिए कैसे स्कूल फंड निकलवाती है। बहुत देर हो गई। अरे आलू, जल्दी आओ, चलो बैठो। क्या? अरे बैठो ना। वाह, आज तो मुझे अपनी बाइक पे बिठा रहे हो। तो साउदामिनी यार स्कूल नहीं जा रही क्या? अरे तारा, आज साउदामिनी मैम से मिलने स्कूल चली चली गई। अच्छा। तो मैंने सोचा क्यों ना मौके पे चौका मारा जाए। चलो बैठो, आज चौक से जलेबी खाते हुए स्कूल जाएंगे। जलेबी खिला के मेरे पूरे वर्कआउट का कचरा कर दो तुम। मैं नहीं खा रही जलेबी। और तुम भूल गए, साउदामिनी मैम से आज स्कूल वेलफेयर फंड से लोन मांगना है राजेश जी और शालिनी की शादी के लिए ना। अरे तो तुम्हें क्या लगता है, अगर हम जलेबी खा लेंगे तो साउदामिनी मैम मना कर देंगी? यार 2 मिनट तो लगेंगे, और वैसे भी कितना टाइम हो गया, ना तुमने मुझे जलेबी खिलाई है ना मैंने तुम्हें खिलाई है। बैठो ना। ठीक। उसका हेलमेट पहनूं मैं? कुछ नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैम, ये इन दोनों की शादी का सवाल है। मिस आलिया, मैं कोई मैरिज ब्यूरो नहीं चला रही हूँ, एक स्कूल चला रही हूँ। और शायद आपको गलतफहमी हो रही है कि आप एक मैरिज काउंसलर हैं, टीचर नहीं। अगर ये मैटर स्कूल से नहीं जुड़ा है, आई विल नॉट डिस्कस इट। लेकिन मैडम, ये मैटर भी स्कूल का है, क्योंकि ये दोनों टीचर भी स्कूल के हैं। तो उनकी शादी की जिम्मेदारी हमारी है? अगर कल को उनका बच्चा हुआ तो क्या वो स्कूल की जिम्मेदारी होगी? बिल्कुल What? नहीं होगी, वो इनकी जिम्मेदारी होगी। हम पालेंगे। लेकिन मैडम, ये टीचर्स वेलफेयर फंड टीचर्स के वेलफेयर के लिए बना है, फेयरवेल के लिए नहीं। हाँ, तो दिया तो टीचर्स को वेलफेयर। जो लैपटॉप्स खरीदे गए इतने महंगे महंगे, वो अपने वेलफेयर फंड से ही तो दिए गए, वहीं से तो खरीदे गए। फंड तो पूरा खाली हो गया, उसमें पैसे ही नहीं बचे। और एक मिनट, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब राजेश और शालिनी के पास पैसे ही नहीं है, तो फिर इतना खर्च करने की जरूरत क्या है? अच्छा बेबी,
मेरा मतलब है, आलोक तुम ही बताओ हमने कैसे शादी की थी और कहाँ शादी की थी? मंदिर में हुई थी, तुमने ही तो कहा था ना, इसलिए तुम्हारी शादी की एक भी एल्बम नहीं है, राइट? हाँ हाँ, यू आर सही, मंदिर। तो मैम, जब मैं और आलोक मंदिर में शादी कर सकते हैं, तो फिर राजेश और शालिनी क्यों नहीं? उनकी शादी क्यों धूमधाम से करनी है? अरे शादी हम दोनों को एक दूसरे से करनी है, धूम और धाम से थोड़ी ना करनी है। मिस शालिनी बैठ जाइए। मिस तारा, यू राइट, हमारे वेलफेयर फंड में कोई पैसा नहीं है, इसलिए आपको लोन नहीं मिल सकता है। इसलिए मिस्टर राजेश, यस मैम, आप मंदिर में शादी कर लीजिए। ओके मैम, चलो। अभी नहीं, बैठिए। लेकिन मैम प्लीज समझिए, शालिनी के पापा ने उनकी स्वर्गीय पत्नी की मौत के पहले उन्हें वचन दिया था कि वो अपनी बेटी की शादी पूरी धूमधाम से करेंगे, लेकिन इस कोरोना के चलते उनकी इनकम ठप हो गई है और गांव की जमीन भी नहीं बिक पा रही, और अगर अभी इन दोनों की शादी नहीं हुई तो अगले 1.5 साल तक इन दोनों की शादी नहीं हो पाएगी। मैम प्लीज समझिए। हाँ तो 1.5 साल बाद हो जाएगी, मतलब ऐसे थोड़ी होता है कि इनके बीच का प्यार खत्म हो जाएगा। नहीं ना, तो फिर 1.5 साल बाद हो जाएगी, और वैसे भी अभी मुझे नहीं लगता है इनकी शादी हो भी पाएगी। तुम ना देखो, ये शादी होगी, जरूर होगी, और पूरी धूमधाम से होगी। इस शादी का जिम्मा मैंने अपने ऊपर लिया है, तो अब तुम भी देखो कैसे ये शादी मैं सक्सेसफुली कराऊंगी। थैंक यू मैम, चल। व्हाट नॉनसेंस, हेलो। मुझे पता है जब तुम परेशान होती हो ना तो तुम्हें भूख लगती है, इसलिए तुम्हारे लिए समोसे लाया। मैं खिलाऊं? अरे ये क्या, झील में तो पानी भर गया। और क्या, तुम हो इतनी खूबसूरत कि तुम्हारी झील जैसी आंखें। अरे ये लो, झील से पानी छलक भी गया। आलू तुम क्यों परेशान हो रही हो? यारा तुमने मुझे क्या कहा था कि बंसी वाले अगर एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा हाईवे खोल देते हैं। तुम टेंशन मत लो, इस मुसीबत का भी कोई रास्ता निकाल देंगे वो। आलिया जी। हाँ। सौदामणि मैम ने मना कर दिया, अब क्या करेंगे? बाबू क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा ना सत्संगी जी, पहलवान अंकल का वचन पूरा करने का सवाल है। जालिम, इस सिचुएशन पर एक शेर अर्ज है। अरे शेर को अपनी कमजोरी मत बनाओ, टाइम नहीं है शेर का। नहीं नहीं नहीं, अरे सुनना पड़ेगा सबको, बहन की शादी है, सुन लेते हैं। बोलो है? यार ये कैसा वचन हमारी सास को दे बैठे ससुर, ये कैसा वचन हमारी सास को दे बैठे ससुर, जिसमें फंस गए हम, जबकि हमारा नहीं है कोई कसूर। मान नहीं रहा ना असुर, ये तो जुमला बन गया यार। एक और करते, इरशाद। अरे यार सुनो ना, मम्मी की ट्रेन लेट हुई है, पर इतनी थोड़ी हुई कि 1.5 साल बाद आएगी, कल ही आ रही है मम्मी। अब क्या होगा? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए राजेश, आपकी शादी होगी और जरूर होगी, पूरे धूमधाम से। लेकिन आलिया जी, बिना शक्कर के चाय कैसे मीठी होगी? बिना कैसे होगी? अरे शक्कर नहीं है तो क्या हुआ, गुड़ तो है ना। आलोक महोदय, आप अपने इस वक्तव्य का विस्तृत विश्लेषण करेंगे जरा? यहाँ टेंशन चल रही है, इनको बेसन की पड़ी है, पकौड़े बनाओगे क्या? इसका मतलब है आलोचना, विवेचना, व्याख्या। बाबू ये तीनों समझ में नहीं आए, पहले वाला ही ठीक था, क्या था?
विश्लेषण। ये भी समझ नहीं है। अलग भाई क्या बोल रहे थे? मेरे पास एक प्लान है। आप सब लोग शाम को आले के घर मिलिए। वो प्लान ऐसा है जिससे शादी बिना किसी पैसों के धूमधाम से हो जाएगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। उस आले ने कसम खाई है ना कि वो ये शादी धूमधाम से मनाएगी, सक्सेसफुल बनाएगी। मैंने भी उसी वक्त कसम खाई थी कि मैं इस शादी को उसकी लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर बनाऊंगी, पीरियड। मॉम, नो रिएक्शन? आप शांत क्यों हो? क्योंकि जब मैं ऊपर से साइलेंट होती हूँ ना, तो अंदर से बहुत वायलेंट होती हूँ। गॉड मॉम, सीरियसली आप कभी कभी ना एकदम फिल्मी डायलॉग मारती हो। क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत बहुत खतरनाक फिल्मी आइडिया चल रहा है, इसलिए। रियली? और वो आइडिया क्या है? सुनो, तुम्हारी और आलोक की शादी का आइडिया। ओह गॉड मॉम, नो 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 नो, आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स। क्योंकि आप हमेशा ना यही बोलती रहती हो, यही सोचती रहती हो। पर तारा स्वीटहार्ट, अब तो ये बात पूरी हो जाएगी ना? सुनो मेरी बात। मेरे दिमाग में एक बहुत फैंटास्टिक सा खतरनाक आइडिया आया है, जिससे तुम्हारी और आलोक की शादी बस 10 दिन में हो जाएगी और वो देखती रह जाएगी। मॉम, व्हाट आर यू टॉकिंग? आर यू सीरियस? या तो मॉम, अपनी डॉटर को प्लान बताओ ना। ना तुम्हें पता ना, मैं कोई कच्चा काम नहीं करती। बोला ना, आइडिया पक रहा है, उसे पकने दो। फिर तुम क्या, पूरी दुनिया देखती रह जाएगी कि आइडिया क्या था। चलो आलोक, बताओ प्लान क्या है। प्लान ये है कि एक कहानी सुनाता हूँ। लो, ये कहानी सुनाने का टाइम है क्या? अरे सुनो तो सही। एक बार चार भाई होते हैं और चारों को लकड़ी का एक गट्ठर दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि इस गट्ठर को तोड़ के दिखाओ। अब चारों बहुत ट्राई करते हैं पर उनमें से कोई भी उस लकड़ी के गट्ठर को तोड़ नहीं पाता। फिर वो क्या करते हैं, उस गट्ठर को खोल के उसकी लकड़ियां आपस में बांट लेते हैं और फिर वो लकड़ियां आपस में तोड़ देते हैं। उसी तरह हमें भी अपनी समस्याओं के गट्ठर को बांट लेना है और उसे तोड़ देना है। आइडिया तो बड़ा अच्छा है आलू। अगर हम भी शादी की सारी जिम्मेदारियां आपस में बांट लें तो शादी धूमधाम से बन जाएगी ना। फिर लकड़ी का क्या होगा? शालिनी जी, लकड़ी के बारे में हम आपको बाद में समझाते हैं। बाबू अभी भी समय है, सोच लो। अरे जालिम, तुम चुप रहो यार। आभा, देखा तुमने हमारा लड़का कितनी समझदारी की बातें करता है। बिल्कुल हमारे ऊपर गया है, हमारे जैसा दिमाग पाया है। बचपन में बिल्कुल तुम्हारी तरह ही था, दिमाग था ही नहीं। वो तो जब से हमारी बिटिया से शादी की है तब से आ गया दिमाग, और हमारी बिटिया का दिमाग ना बिल्कुल हमारी तरह है। दोनों के पास भूसा भरा दिमाग है। एक मिनट, मम्मी मम्मी जी, आप लोगों को लकड़ी के गट्ठर तोड़ना है, एक दूसरे का सर नहीं फोड़ना है। अब ये बताइए कि आप लोगों में से कौन क्या जिम्मेदारी लेने वाला है। देखो, जिम्मेदारियों में शादी की जितनी भी रस्में होंगी उसमें खाना पीना पूरा वो देखेगी आभा है? और हम हाँ। बात तुम हमारी पूरी सुन लिया करो है? उसकी जिम्मेदारी आभा की और हमारी, तो तुम्हारा ना केटरिंग वालों का पैसा बच जाएगा। बिल्कुल सही कहा। हाँ, और खाना बनाने में जो भी सामग्री लगेगी ना, जैसे तेल, घी, आटा, चावल, दाल, सब्जी, मसाले वगैरह, उन सबकी हम लिस्ट बना देंगे। लेकिन वो बाजार से लाने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी, वो जिम्मेदारी मेरी। हाँ। और आलोक मेरा साला है। क्या आलोक जी आपके साले हैं? सुन तो लो बहन, क्या है कि मेरा साला है, उसका डेकोरेशन का काम है। ओह। हाँ। और दूसरा कि वो सारा डेकोरेशन का काम करेगा, जैसे शादी शादी का फंक्शन सब करेगा और पैसे बाद में लेगा। अब समझिए आप। चलो ये अच्छा होगा, केटरिंग और डेकोरेशन दोनों की टेंशन दूर हो गई। हाँ, और शालिनी की शादी के कपड़े, शगुन वगैरह, इन सब की जिम्मेदारी मेरी और आपकी। हम सब पैसे इकट्ठा कर लेंगे और सारी शॉपिंग हो जाएगी। हा? तो डीजे और म्यूजिक की जिम्मेदारी हमारी।
और मैरिज हॉल भी बुक कर लेंगे। तो जब ये सब कुछ हो ही गया तो फेरे के समय पंडित के दायित्व का निर्वाह हम कर लेंगे। लेकिन रस्में कौन कौन सी होंगी ये भी तो फाइनल करना है ना। हाँ तो सारी जो भी रस्में होंगी वो आप महिलाएं डिसाइड कर लीजिए। हाँ, लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रहे, जितनी भी रस्में होंगी वो सारी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए होंगी। जी जी। हाँ। तो इसी बात पे बोलो गणपति बाप्पा मोरया। अरे शगुन के लड्डू हैं, थोड़ा गोल गोल बनाओ मेहनत करके। ये क्या ईल बील कौवा चील बनाया जा रही हो तुम? हाँ हाँ तुम लड्डू बनाओ तो गोल और हम बनाए तो ईल बील कौवा चील हैं। हम कितना भी गोल लड्डू बनाए ना तुम्हें कभी गोल नहीं लगेंगे। ये देखो गोल कहाँ गोल है, जबरदस्ती कर रहे, देख लो थोड़ा मेहनत करो। तो टेढ़े मेढ़े लड्डू बना रही है ये, देख लो अपनी अम्मा को बना रहे बना रहे। अरे को क्या लग रहा है हमको दिखाई नहीं दे रहा है? आप दोनों तो झगड़ा करने लगी। ये शादी का घर है ना, शादी के घर में तो संगीत बजना चाहिए। संगीत तो सबसे पहले होगा संगीत। नंदा संगीत पहले कैसे हो सकता है? संगीत तो शादी के एक दो दिन पहले किया जाता है ना। हाँ पहले राजेश जी और शालिनी की सगाई तो करवाए तो कल राजेश जी और शालिनी की सगाई करवाते हैं। हाँ ये बिल्कुल सही होगा, कल शाम को ही राजेश और शालिनी की सगाई कर देते हैं। और वैसे भी राजेश की मम्मी तो कल शाम तक आ ही जाएंगी। हाँ उनके आने से पहले कर लो भाई साहब इंतजाम, नहीं तो आते ही धूम धड़ाका करने लगेंगे। ठीक है ठीक है, तो पहले कल राजेश जी और शालिनी की सगाई कराएंगे। हाँ। राबिया तू भाग शालिनी के पास और उसे मार्केट लेके जा। ठीक है। एक अच्छी सी ड्रेस खरीदवाना सगाई के लिए, और सुन अपने लिए भी कुछ अच्छा सा खरीद लेना। मर्चेंट के कुछ तो पैसे खर्च करवा, दूसरों में बांटता रहता है कब से। मारू पकड़ के। हाँ तो कल फाइनल। हाँ। सगाई दोनों की, परसों लड़के वाले और लड़की वालों के बीच गेम्स कर लेते ताकि माहौल एकदम खुशी वाली फीलिंग से भरा रहे। और उसी दिन होगा संगीत। तुमको संगीत की बहुत पड़ी है। अरे पड़ी क्यों नहीं होगी, भाभी हूँ संगीत में जोरों से नाचूंगी। आप भी तो नाचेंगी, बोलिए बोलिए। हम क्यों नहीं नाचेंगे, कुछ लोगों की तरह हमारी उम्र थोड़ी ना हो चुकी है कि हम ना नाच पाए। तो तुम कमर लचका के ही मानोगी। हाँ हाँ ठीक है, तो फिर तीसरे दिन लड़की वाले लड़के वालों के यहाँ तिलक लेकर आएंगे। अरे सुनो दूल्हे का सेहरा बांधनी तो तुम ही करोगी, बहनें करती हैं और राजेश की बहन तो तुम हो ना। हाँ हाँ तो बांधूंगी ना मैं, तो मजा आएगा ना। बहुत मजा आएगा। तो तिलक वाले दिन ही मेहंदी और हल्दी करवा देते है ना। ए मडोना सुनो, शालिनी की भी तो हल्दी है। अरे तो राजेश जी और शालिनी दोनों की हल्दी एक ही मंडप में करा देंगे, है ना? हाँ ये बिल्कुल सही रहेगा। तो तीसरे दिन ही होगी मेहंदी और हल्दी, और चौथे दिन मंडप करेगा, और उसी दिन होगी राजेश और शालिनी की शादी, वो भी धूमधाम से। चलो ठीक है मैं फट फट सारा प्रोग्राम सबको मैसेज कर देती हूँ। कितना मजा आएगा ना, राजेश जी दूल्हा बनेंगे, शालिनी दुल्हन, और बजेगा खुशियों का ढोल। बजाओ। बाबू मैंने सबको फोन कर लिया लेकिन सारे मैरिज हॉल बुक। हाँ भाई ये तो घोर संकट हो गया, अगर कहीं कोई जगह नहीं है तो राजेश जी का विवाह संपन्न कहाँ होगा, ये फेरे कहाँ लेंगे? आलोक जी राजेश लैला मजनू की शादी में भी इतनी मुसीबत नहीं आई जितना तुम्हारी शादी में आई है। हाँ। बाबू उनकी शादी नहीं हुई थी। नहीं? जी के? हाँ। कॉलोनी ऑफिस के छत पे तंबू डाल देंगे। हाँ। ये मंदिर पढ़ लेंगे, हो गई शादी। अरे जालिम इतनी मुश्किल से तो हमारी शादी हो रही है, वो भी छत पे तंबू लगवा के करवाओगे क्या? बाबू शट डाउन, सिट डाउन। हाँ सिट डाउन, तो बैठिए। समझ नहीं पा रहे हैं आप, हम कह रहे हैं कि शादी ना हो इससे अच्छा है कि छत पर हो जाए। वैसे भी तुम्हारी कुंडली में शादी के घर में शनि टांगे फैला के लेटा रहता है। हाँ भाई तुम बात समझो, और बाबू तुम बात समझाओ।
राजेश, चांस मत लो, जहां भी जैसे भी शादी हो रही है ना, कर लो। सही कह रहे हो। एक मिनट, एक मिनट, समस्या सिर्फ शादी की नहीं है, अरे मंगनी, हल्दी और बाकी रस्में और गेम्स, वो सब कहां होंगी? वही तो नहीं समझ आ रहा ना कि समस्या का हल कैसे निकलेगा। मेरे होते हुए आप लोग को कोई भी समस्या नहीं हो सकती। शादी और बाकी सारी रस्मों के लिए जगह ही चाहिए ना, तो मिल जाएगी। लेकिन तारा, कैसे? बीवी हमारा घर है ना। आई नो वो मैरिज हॉल जितना बड़ा नहीं है, पर कॉलोनी का सबसे बड़ा घर तो है, और गेस्ट भी लिमिटेड है, तो आई गेस मैनेज हो जाएगा। हे बंसी वाले, ये कौन सी नई चाल चल रही है? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.